सोलन में बद्दी में है, यहाँ पर पूजा हो रही है छठ मैया की। हमारे साथ हमारे भाई साहब का परिवार है, पूरा परिवार पूजा कर रहा है छठ मैया की। भैया आपको, भाई साहब आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार छठ मैया की पूजा क्यों होती है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमें ये बताएं भी जो छठ मैया की पूजा आखिरकार क्यों करवाई जाती है और इसका पुरातन महत्व क्या है। छठ पूजा के जो त्यौहार है ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान राम के वंश से आने के बाद उन्होंने भगवान राम और माता सीता ने सूर्य के उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का उपासना किया था। सूर्य के उपासना करने से स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों बनी रहती है और इसलिए हमारे उत्तर भारत में ये पर्व का पूरा ही बहुत ही महत्व है। इसमें 36 घंटे की उपवास होती है और हर तरह के फल जो मौसम में मिलने वाले फल हैं उनके साथ माताएं और बहनें आती हैं और बहते हुए झरने नदी के किनारे बैठती हैं और वहां से भगवान सूर्य का अर्घ देती हैं। और ये जो त्यौहार हैं इसे माताएं अपने परिवार के सुख समृद्धि, अपने बच्चे और अपने पति के सुख समृद्धि के लिए करती हैं। धन्यवाद। दिखाना चाहेंगे कि छठ मैया की पूजा हो रही है, छठ मैया के पर्व की लाख लाख बधाई हो। आते हैं बिहार क्या है। हाँ जी, हाँ जी, बिहार उठी क्या है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, बच्चे बच्चे के लिए है। अच्छा, बच्चे के लिए होती है, पूरे परिवार के लिए होते हैं सब त्योहार। जिनके घर में बच्चे ना हो, मतलब बच्चों की प्रार्थना की है। बहुत बड़ी हमारी परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है। इन्हीं परंपराओं के माध्यम से हमारा देश आज भी जिंदा है।